हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी काफ़ी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाला, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि फरहान भाई वीडियो क्यों नहीं डाले। तो भाई, वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। इतने मेरे बहुत सारे दोस्त लोग आए हुए थे, हम घर में आए, क्वालिटी टाइम ने स्पेंड किया, खाना वाना खाए, घूमने गए, तो वो सब मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, इसलिए मैंने उसका कोई व्लॉग बना नहीं पाया। तो लेकिन हाँ, मैंने कुछ कुछ चीज़ें उसमें से शूट की थी, मैं जो वीडियो की एंडिंग में डाल दूंगा। और दूसरी चीज़, आपने मेरी पिछली वीडियोस से अगर मुझे देख रहे तो देख रहे होंगे कि आप, मैं काफ़ी थोड़ा सा पिछली वीडियोस में थोड़ा चबी लग रहा हूँ। पहला रीज़न इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा मोटा होते जा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं घर में कितना भी वर्कआउट कर लूँ, मैं उतना इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ जितना मैं जिम में करता हूँ, तो इस कारण से थोड़ा मेरा वेट गेन हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि आज हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ। तो हमारे दोस्तों के साथ कौन कौन है? तो पहला है चीकू, मतलब हिमांशु, जैसे आप पहली वीडियोस में जानते होंगे कि हिमांशु कौन है, और दूसरा सौम्या। तो अभी मैं जाऊंगा इन लोगों को पिक करने, फिर हम वहां से निकलेंगे जहां हमें जाना है, तो फिर चलते हैं। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा है, मैंने चीकू और सौम्या को पिक कर लिया है और अभी हम घर से निकल गए हैं। और अभी हम यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि चीकू और सौम्या मिलकर आम तोड़ रहे हैं, तो जैसे हमारा आम तोड़ के होता है, हम निकलते हैं हाथी स्नान के लिए। और हाथी स्नान क्या है वो आपको हम वहाँ पहुँच के बताएंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल। तो फिर निकलते हैं हम थोड़ी देर में। तो सीन अभी ऐसा है, हम लोग जा रहे थे हाथी स्नान, लेकिन बीच में हमें कुछ लोग हाथी मछली पकड़ते हुए दिखे। अब देख सकते हो काफी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा की मदद कर रहे हैं मछली पकड़ने में। तो गांव में ऐसे ही सीन होता है। टोकना भर के पकड़ लिया आपने झींगा और मछली दोनों? कैसे दिए मछली और झींगा? 120 रुपए के जिंदा है सौम्या? अभी तो निकाल रहे हैं, निकाल लो, दिखा दे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाथी स्नान में, और जैसे ही हम लोग घुसे जंगल के अंदर थोड़े से अंदर में, तो हमें हाथी दिख गया है। और भाई बहुत बड़े बड़े दांत हैं और बहुत डर भी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाथी के अलावा शेर भी है, हिरन भी है, तो शेर वेर भी कहीं से भी आ जाता है, इसलिए डर भी बहुत लग रहा है। लेकिन हमें हाथी दिख गया तो खुशी ही बहुत हो रही है। तो दिखाते हैं हम हाथी कहाँ है। अगर आपको दिख रहा होगा तो जस्ट मेरे पीछे में वहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हो, हम हाथी के काफ़ी पास आ चुके हैं, और इससे ज़्यादा पास जाना थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा। लेकिन भाई बहुत बड़ा हाथी है और बहुत बड़े बड़े दांत है, तो डर भी बहुत लगता है। लेकिन भाई बहुत प्यारा सीन है, बहुत मज़ा आ रहा है, एक अलग से अंदर से सुकून मिल रहा है यहाँ पर आने के बाद। आप देख सकते हैं हम हाथी स्नान पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे में एक मेल एलिफेंट है। तो एट द रेट जहाँ हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर चार एलिफेंट है, दो मेल एलिफेंट्स है, एक फीमेल एलिफेंट है और एक बेबी एलिफेंट है। तो भाई हम हाथी स्नान पहुंच चुके हैं। तो हाथियों से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। 2007 से पहले जब कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं हुआ करता था, तब हाथियों से फॉरेस्ट ऑफिसर लोग ट्रैक किया करते थे कितने टाइगर्स हैं और कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है, और टाइगर्स की एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता था। और पहले के ज़माने में, मतलब 2007 से पहले, एलिफेंट सफारीज हुआ करती थी, एलिफेंट सफारीज, एलिफेंट शोज हुआ करते थे टूरिस्ट के लिए। उसमें क्या होता था, एलिफेंट के ऊपर पहले मतलब बांध दिया जाता था बैठाने के लिए टूरिस्ट को, और उसके ऊपर से फिर एलिफेंट से ही टाइगर को ब्लॉक करके उसका शोज हुआ करते थे। बारी बारी एलिफेंट जाया करते थे और उसके बाद ऊपर शोज हुआ करते थे, तो वो बहुत प्यारा सीन हुआ करता था। लेकिन ये 2000 के बाद बंद हो गया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा था टाइगर्स को। फिर उसके बाद 2017 में हाथी स्नान की स्थापना की गई। ये इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह स्थापित किया गया, जिसमें एलिफेंट को नहाते हुए एक एलिफेंट शोज किया जाता है यहाँ पर हाथी स्नान में। तो इसकी बुकिंग होती है काना में, और आप जिस रिसॉर्ट में रुक रहे हैं या अगर आप आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी रिसॉर्ट पूछेंगे, तो ये बहुत प्यारा स्पॉट है टूरिस्ट के लिए। आप वहाँ पर काना में पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आना है, इसकी बुकिंग होती है और टिकट्स ली जाती है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है हाथी स्नान,
मजेदार जगह है, अगर आओगे तो जरूर आना। हम जा रहे हैं जहाँ हाथी स्नान होता है, मतलब जहाँ एलिफेंट्स को नहलाया जाता है। तो अभी ये तो अभी बंदा हुआ है, बाकी जो और भी एलिफेंट्स हैं उनको भी थोड़ी देर में जंगल से लेके आएंगे, तो फिर वहाँ उनको नहलाएंगे, तो वो सीन आपको दिखाते हैं। तो चलो फिर देखते हैं उसको। बेसिकली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ एलिफेंट शोज हुआ होते हैं एक्चुअल में। तो ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक बार में शायद 3 या 4 गाड़ी आती है और एक बार में सिर्फ 30 टूरिस्ट अलाउड है। तो ये वही जगह है जहाँ पर एलिफेंट शोज होते हैं, उसके लिए पहले से प्री बुकिंग होता है। एक जगह यहाँ पर है और एक जगह मेरे पीछे में है जहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर बेसिकली नदी है जहाँ पर एलिफेंट शोज आते हैं, बहुत सारे एलिफेंट को लाया जाता है और उनको नहलाया जाता है, उसी को बोलते हैं एलिफेंट शोज। तो बस इतना ही, अभी हमारे पास कुछ खाने का लेके आए तो वो खाते हैं और खा के यहाँ से निकलते हैं। देख सकते हो वहाँ हाथी पूरा पेड़ गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत वो भाई पूरा पेड़ गिरा दिया गया उसने। गिरा दिया। जैसे कि आप देख सकते हो एक हाथी ये है जो हमारे सामने है, और एक हाथी वहाँ से आ रहा है घूमते हुए। इनको भी नहाने लेके जा रहे हैं इधर पीछे में, तो भी हम देखेंगे 5 से हाथी को। कि आप देख सकते हो एक हाथी ये है और एक हाथी ये दोनों मेल एलिफेंट है। काफ़ी मोटी संकल यूज़ की जाती है और ये काफ़ी लंबी भी है, यहाँ से सीधा यहाँ तक। के अलावा 2 एलिफेंट वहाँ हैं, एक मदर एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट है। काफ़ी देर हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया और हमें बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया। मैं जब छोटा था तब मैं बचपन में ऐसा हाथी को आते जाते देखता था, और काफ़ी टाइम बाद मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से एकदम सुकून आया। और नेचर यहाँ पर बहुत प्यारा है। और अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।